एक और कंडीशन है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस और कई बार जब उसके सिम्टम्स होते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि क्या ये गैस्ट्रो से जुड़ी है क्या है कॉस्टोकॉस कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस दरअसल जो स्टर्नम हुई जो बोन होती है आपकी यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लमेशन होता है जब आप इसे प्रेस करते हैं तो दर्द होता है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का पेन कई बार हम उसको हार्ट के पेन से भी आ, कर सकते हैं जोड़ सक के देख सकते हैं कई बार वो जो हार्ट के सिम्टम्स हैं वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के सिम्टम्स से भी मिलते हैं लेकिन कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की डायग्नोसिस बनाने में देर नहीं लगती आप पेशेंट को लिटाएं और एक हल्का सा यहाँ पे प्रेशर दें अगर उसे पेन होता है तो समझ लीजिए कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस गैस्ट्रो के दायरे में नहीं गैस्ट्रो के दायरे में नहीं, नहीं आते क्योंकि डॉक्टर साहब ये बड़ी आम समस्या है जो आपने हार्ट बर्न का लक्षण बताया था छाती में दर्द हो रही है जलन हो रही है तो समझ नहीं आता कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ गैस्ट्रो के पास जाएँ और अगर मान लो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है तो कौन से डॉक्टर के पास जाएँ देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग है और अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो कुछ तो सिम्टम्स ऐसे हैं जिनसे आप डिफ्रेंशेट कर सकते हैं कि आपका हार्ट की वजह से हो रहा है या आपको खाने पीने की वजह से हो रहा है क्योंकि अगर हार्ट की वजह से चेस्ट पेन होता है तो यूजुअली बहुत सीवियर पेन होता है लेफ़्ट आर्म में रेडिएट करता है और आपको बीपी फॉल हो जाएगा पसीने आ जाएंगे ठंडे पसीने आ जाएंगे या फिर आपको कुछ हिस्ट्री होती है कि आपको डायबिटीज़ है आपको पहले कोई कार्डिक हिस्ट्री है और आप, आपका ये जो दर्द है अचानक बैठे बैठे कभी भी हो गया है तो इस तरह का अगर आपको लगता है तो कार्डिक कोज है लेकिन जब भी अगर आपको कुछ शंका हो कि मेरे को हार्ट की वजह से है या गैस की वजह से तो पहले आपको हार्ट का अपना रूल आउट कर लेना चाहिए क्योंकि okay. वो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है okay. गैस तो आप दो घंटे बाद भी ठीक कर सकते okay. तो हैं ओके दूसरी चीज जो गैस और एसिड की वजह से जो रिफ्लक्स होता है, यूजुअली हम ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हमारा एसिड रिफ्लक्स करता है मुंह में खट्टा पानी आ जाता है कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें कोई पसीने वगैरह नहीं आते हैं आपका बीपी फॉल नहीं होता गे। गे। है तो ये इस तरह की सिम्टम्स है तो इसका मतलब आपको गैस एस और एसिड रिफ्लक्स से हो रहा है